आइए अब देखते हैं हीट के थ्रू प्रिडिक्शन। सबसे पहले वीनस का महादशा भी वीनस की ही चल रही है। वीनस का 180 का हीट है सातवें भाव पे। क्या वो कहां से मिली सर? मैं आपको बताऊंगा अच्छा कैसे अच्छा उसको निकालेंगे, जी लेकिन यहां से आप पहले प्रिडिक्टिव पार्ट पे हम आते हैं। वीनस का सातवें भाव पे 180 का हीट है, जी तो क्या इनको सेवेंथ हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम, यदि बिजनेस में होंगे तो बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस में नहीं होंगे तो वाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम, वाइफ को हेल्थ इशू या मैरिड लाइफ में रिलेटेड प्रॉब्लम, क्या ये ऐसा है वीनस की दशा में? नहीं, ये लेडी खुद ही है सर। अच्छा, ये लेडीज हैं, तो लेडीज हैं तो इनके अपनी मैरिड लाइफ में बताइए क्या है, कैसा है मैरिड लाइफ इनका? मैरिड मैरिड लाइट तो ठीक है सर। लाइफ ठीक है। सेवेंथ हाउस से रिलेटेड, गर्भाशय से रिलेटेड ऐसा कोई बीमारी, वो है। क्योंकि शुक्र बीमारी को भी बताता है और सातवां अच्छा। भाव गर्भाशय को, जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसको भी बताता है, मतलब सेवेंथ हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेगा, समझ रहे जी हैं? तो जी ये था, तो इसलिए इस बार, वीनस की 180 की हिट होने की वजह से सर। हाँ, वीनस की 180 की हिट सेवेंथ हाउस पे है, तो इस हिट के कारण क्या है कि वो सेवेंथ हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। तो ये सेवेंथ हाउस के जो भी कारकत्व हैं वो हमारे दिमाग में रखना है, और यदि एक क्लाइंट आके आपसे वो अपना प्रॉब्लम बताता है तो प्रॉब्लम जो भी अपना बता रहा है उसको आप अपने दिमाग में मेजर कर लेंगे किस हाउस से रिलेटेड, और यदि उसको उस पे हिट है तो इसका मतलब वो प्रॉब्लम का रीजन वो है। ठीक है, शनि का 90 का हीट, तो इसमें सर सारी वो बातें, जैसे 180 की है तो 180 में या तो ये बीमारी देगा या उस भाव से रिलेटेड जो मतलब व्यापार है तो व्यापार में दिक्कत देगा, यही ना सर, हाँ या हाँ हाँ उनके उनके रिलेशन में दिक्कत होगी। ठीक है। मतलब अब इसकी इसकी यदि ये वीनस थर्ड हाउस, ये होता सर थर्ड हाउस में वीनस, और इसकी नाइन्थ हाउस में जाती तो तब भी क्या हम बीमारी की बात तब भी करते? वीनस यदि थर्ड हाउस में होता, नहीं और तो फिर 180 इसकी जहां जाएगी जिस हाउस पे जाएगी, हाँ जी हाँ, जैसे मान लीजिए नाइन्थ पे जी जाती है, ये आवश्यक नहीं है कि नाइन्थ पे ही जाएगी, वो एट पे भी हो सकता है या टेंथ पे भी हो सकता है, नहीं, बाय चांस नाइन्थ पे ये गई। कैलकुलेशन है, ठीक है, बाय हाँ चांस नाइन्थ पे जी गई तो फिर नाइन्थ के अकॉर्डिंग फादर है, फादर से जी रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगा। नाइन्थ जी जांघों को बताता है, जी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, नाइन्थ हायर जी एजुकेशन को बताता है, क्योंकि जी अब हायर एजुकेशन इनके केस में क्यों नहीं लेंगे, इनका 95 का बर्थ है, सॉरी 75 का, और शुक्र की दशा अभी चल रही है, तो जी इस टाइम में तो हायर एजुकेशन ये ले नहीं रही होंगी। सही कह रहे यदि सर। ये आपके पास आती हैं और इनका ये क्वेश्चन है कि मेरे फादर को हेल्थ इशू है और इनके अच्छा, नाइन्थ हाउस पे, इसमें हेल्थ इशू दोनों के हो सकते हैं, अपनी भी थाई से रिलेटेड और फादर को किसी भी चीज से रिलेटेड। हाँ, चूंकि यहाँ पे मैं आपको एक एस्पेक्ट बता रहा हूं, मतलब एक हम सिर्फ हीट के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन कर रहे हैं, बाकी जो प्रिडिक्शन होता है वो ओवरऑल सभी पे डिपेंड करेगा ना, जैसे नाइन्थ हाउस का सब लॉर्ड कैसा है, वो कैसा भावों से कनेक्टेड है, तो वहां से लेके आप कंप्लीट रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन तक, ठीक है? तो यहाँ हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको एस्ट्रोलॉजी आती है, आप सभी एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन कर चुके हैं, ठीक है? तो जैसे आपने देखा एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन से कि इनके नाइन्थ हाउस का सब लॉर्ड छठे भाव को बता रहा है, बीमारी को बता रहा है, तो आपको लगा कि इनके फादर को हेल्थ इशू होना चाहिए, अब चूंकि आपको, और ये कुछ मेजर हेल्थ इशू बता रही है, तो आपके दिमाग में है कि सिर्फ छठा भाव मेजर हेल्थ इशू तो देता नहीं है, तो वहां पे आप यदि कंफ्यूजन में है कि क्या इनकी कुंडली सही है या सब लॉर्ड्स गलत है या ऐसा, और उस स्थिति में आपको एस्ट्रो वास्तु का नॉलेज है और आप देख रहे हैं कि अरे ये तो वीनस का है, वीनस की महादशा है और वीनस का 180 इनके नाइन्थ पे आ रहा है, तो 180 तो अपने आप में ही प्रॉब्लम है, जी तो एक तो वहां पे आपको दिख गया कि नाइन्थ के सब लॉर्ड ने भी बीमारी बताया,
और वीनस का 180 दिया गया। जी चूंकि दो जगह से ना प्रॉब्लम आ रही है, आप एक जगह से 5 लाख रुपए लोन ले लें तब भी पांच है, और एक एक लाख करके भी पांच आदमी से ले रहे हैं, तो 5 लाख का प्रेशर में आ गए कि नहीं आ गए। जी बिल्कुल तो जो आपने केपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, वहां आपने सिर्फ एक पक्ष देखा, जब इसको सम्मिलित कर लेंगे तो दोनों मिल गया। मतलब इससे वेरिफिकेशन भी हो जाएगा हाँ, और चूंकि अब यहीं पे हम सेवेंथ पर रही मान लेते हैं ना, जैसे सर। इनके सातवें का सब लॉर्ड, आइए यहीं पे मैं आपको दिखा दूं। जैसे यहाँ पे जब हम आते हैं, एक मिनट, यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे इनका सातवें का जो सब लॉर्ड है, जी इनका सातवें का सब लॉर्ड है केतु, ठीक है, जी और केतु देखिए 4 और 12, 12 हॉस्पिटल को बताता है, और हेल्थ के लिए चौथा भाव खराब होता है, चौथे से कनेक्शन, और जी विशेष केतु की जानकारी आपको यहाँ मिलेगी, नाड़ी में नाड़ी सिग्निफिकेटर्स जब हम खोलेंगे। तो यहाँ देखिए केतु बीमारी के नंबर्स को बता रहा है कि नहीं, एक मिनट, ये चार्ट नहीं है, ये फिर से खोलना होगा। केतु देखिए बीमारी को बता रहा है, 1/6 इसमें है, और इसके सब लेवल पे 1/6 है, तो सातवां का सब लॉर्ड बीमारी के भावों को बता दिया। जी अब यहाँ पे 1/6 और 1/6 देख के आपके मन में आ गया कि अरे 1/6 ये तो छोटी मोटी बीमारी होती है, और ये ज्यादा प्रॉब्लम बता रही है। इससे और आपको कंफर्म होना है तो इनके लग्न के सब लॉर्ड मर्क्यूरी को चेक कर लीजिए। तो जब मर्क्यूरी को आपने देखा तो मर्क्यूरी में 1 और 12 आ रहा है, 8 नंबर इसमें नहीं है, तो यानी जी जातक को अपने स्वास्थ्य के कारण हॉस्पिटल जाना होगा। लेकिन आपको इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग देख के ऐसा लग रहा है कि अरे ये जितना इनका हेल्थ का प्रॉब्लम है, वो ये केपी से जो आप वेरीफाई कर रहे हैं वो सफिशियंट यदि नहीं है, तो इस स्थिति में आपने जब यहां से देखा एस्ट्रो वास्तु से, तो यहाँ तो 180 का हीट आ गया, तो जिस भाव पे आ रहा है उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इनका है। जी सेवेंथ हाउस पे हीट आ रहा है, वीनस की दशा है, और सेवेंथ हाउस पे हीट आ भी रहा है, और गर्भाशय से रिलेटेड, यूट्रस रिलेटेड, या जो सेवेंथ हाउस है पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दे देता है। तो निश्चित रूप से है कि इफेक्ट यहां से आ रहा है, तो आ रहा है तो आपको यहीं से ट्रीटमेंट करना होगा ना। समझ में आई बात? जी यानी कि वीनस का ट्रीटमेंट। हाँ, वीनस का ट्रीटमेंट हम करेंगे, जो 180 का हीट है इसको हम तोड़ेंगे। जी अच्छा सर, जैसे एस्ट्रोलॉजिकल हमने देखा तो जैसे प्रॉब्लम उसमें भी आई, तो उसमें प्लेनेट तो दूसरा आ रहा है, तो फिर उस प्लेनेट का करेंगे, और हिट थ्योरी के अकॉर्डिंग वीनस का होना चाहिए। मतलब दोनों को आप मिक्स ऐसे करके मिसमैच होके नहीं समझना है। एस्ट्रोलॉजिकल जहां जो प्रॉब्लम दिख रही है उसको हम एस्ट्रोलॉजी से उसकी रेमेडी करेंगे, और जहां एस्ट्रो वास्तु से दिख रहे हैं वो एस्ट्रो वास्तु से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दूसरा मैं और बताता हूँ, आप ध्यान दिए होंगे या दशाओं में यदि इनके बारे में पता होगा, जुपिटर का 19 के सेकेंड हाउस पे जा रहा है। सेकेंड हाउस परिवार का होता है, ससुराल का भी होता है, तो ये लेडीज हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल है या तो ससुराल से दूर रहना पड़ा हो, या ससुराल का जो सुख इनको मिलना चाहिए वो इनको सुख नहीं मिला। सही है। सेकेंड हाउस यदि ये जेंट्स की कुंडली होती तो मनी, या ये स्वयं अर्निंग मेंबर होती तो ये पैसा सेविंग करने का भी है।